30 साल से भी ज्यादा इंडस्ट्री में रहने के बाद और 3 नेशनल अवार्ड जीतने के बाद और कुछ पॉपुलर और सुपरहिट मूवी फ्रेंचाइज लाइक दृश्यम, गोलमाल, सिंघम, मूवीज लाइक कंपनी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, रेड या फिर तानाजी, ऐसी मूवीज देने के बाद अगर किसी एक्टर ने खान को सीधी टक्कर दी है तो वो एक्टर है अजय देवगन। पर फिर भी क्यों इनसे वो सुपरस्टार वाली फील नहीं आती, या फिर ये कह लो कि सुपरस्टार की लीग में ये अंडररेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑडियंस अजय देवगन को इग्नोर कर रही है और क्या अजय देवगन एक्चुअल में एक अंडररेटेड सुपरस्टार है, अगर है तो उसके रीजंस क्या है। बॉलीवुड के ऑलमोस्ट हर एक्टर की तरह अजय देवगन भी एक फिल्म फैमिली में ही बोर्न हुए थे। इनके पापा वीरू देवगन एक स्टंट कोरियोग्राफर थे और वो तो इन भाई साहब की हरकतों से ही तुम्हें पता चल गया होगा। और रही बात इनकी मम्मी वीना देवगन, तो वो एक प्रोड्यूसर थी। टैलेंट से भरी फैमिली में पैदा हुए अजय देवगन ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1991 में फूल और कांटे से किया था। उस टाइम पर अभी के बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे सलमान, आमिर या फिर SRK ने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। अगर तुम्हें इन तीनों ही खान की इस 30 ईयर्स की जर्नी को जानना है तो मेरी पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना। हां तो 90s में एंट्री करना मतलब खान्स के अंडर दब के रह जाना। वैसे तो ये सब आज भी होता है लेकिन उस टाइम पे अजय देवगन ने जिगरा दिखाया और एक कमाल की एंट्री मारी। लेकिन सारी की सारी मीडिया हाउसेस तो सिर्फ तीनों खान को ही सुपरस्टार बनाने में लगी हुई थी एंड इसी कारण अजय देवगन कहीं ना कहीं खान्स के अंडर ओवरशैडो हो गए। तीनों खान्स ने अपने लिए एक अलग अलग जोनरा पकड़ लिया और एक हर एक जोनरे में खान्स ने अपनी एक अलग अलग पहचान बना ली। बट हमारे अजय सर एक जोनरे से दूसरे जोनरे में उछल रहे थे जिसकी वजह से वो हर टाइप की मूवीज में कंफर्टेबल हो गए और आगे जाके कहीं ना कहीं इसी चीज ने उनकी हेल्प भी की। पर ऐसी डाइवर्स फिल्मों का एक साइड इफेक्ट भी होता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अपने डेब्यू के बाद की मूवीज जैसे जिगर, दिलवाले, विजयपथ, सुहाग के बाद अजय सर की फैन फॉलोइंग गांव जैसे छोटे छोटे जगहों में बहुत तेजी से बढ़ने लगी और ये वहाँ के टॉम क्रूज बन गए। भाई तुम इनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि यूपी और बिहार साइड में 36 अजय देवगन रोडों पे घूमते हैं। रूरल एरिया में रहने की वजह से उनके फैंस को इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिलती जितनी SRK या फिर सलमान के फैंस को मिलती है। अजय सर की हालत भी रोहित शर्मा जैसी ही है। वर्ल्ड कप में इतनी क्रूशल और खतरनाक पारियां खेलने के बावजूद भी सारी मीडिया कवरेज विराट के 50-100 को दिया गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। शुरू से ही अजय और आमिर मीडिया और अवार्ड शोज को ऐसा बोलते रहते हैं जिसकी वजह से न्यूज हेडलाइन में तभी दिखाई देते हैं जब इनकी कोई मूवी आने वाली होती है। मूवी से याद आया, इस साल अजय सर 4 मूवी फोड़ने वाले हैं जिसमें से शैतान आ भी चुकी है। अगर तुम लोगों ने शैतान देख लिया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें वो मूवी कैसी लगी। शुरू से ही अजय सर अपने करियर को लेकर उतने ही ज्यादा सीरियस थे जितनी ज्यादा सीरियस मेरी क्रश मुझे लेकर है ना के बराबर। तभी भाई साहब ने अपनी पहली मूवी फूल और कांटे को उस टाइम के वेल एस्टेब्लिश स्टार अनिल कपूर के लंबे से भिड़ा दिया। वो तो भाई की किस्मत अच्छी थी कि लोगों ने उनके इस खतरनाक करतब को पसंद कर लिया वरना भाई का फिल्मी करियर शुरू से पहले ही खत्म हो जाता। वो कहते हैं ना, जिन्हें आप फॉलो करते हो आपकी हरकतें भी वैसी वैसी होने लग जाती है। इनके फैंस की भी इनकी तरह ही केयरलेस नेचर है, अपने लाइफ को लेकर नहीं अपने स्टार को लेकर ही। तो इसलिए अजय सर की जब भी कोई मूवी फ्लॉप या फिर हिट होती है तो ना ही इनकी जम के बुराई होती है और ना ही जम के तारीफ। एग्जाम्पल के लिए हम अक्षय सर को पकड़ते हैं। जब भी बंदे की कोई मूवी फ्लॉप होती है तो सारे के सारे लोग उस पर चढ़ जाते हैं, उन्हें दुनिया भर का ट्रोल करते हैं जिससे पता चलता है कि अक्षय सर के फैंस उनके बारे में सोचते तो है। यहाँ पे अक्षय और अजय के काम करने का तरीका भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है। नहीं, मैं विमल की एड की बात नहीं कर रहा। दोनों एक्टर्स के लिए एक्टिंग का मतलब है स्क्रिप्ट पढ़ो, सेट पर आओ, एक्टिंग करो और घर जाओ। ज्यादा मेहनत या फिर मेथड एक्टिंग नाम की चिड़िया पे ये विश्वास रखते ही नहीं है। हम तो अच्छे जिसकी वजह से आपको दोनों में से कोई भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए नहीं दिखाई देगा, बॉडी छोड़ो एक मुंह छुकाता नहीं दिखेगा। और इसी आलसपन की वजह से ऑडियंस के अंदर इनकी मूवीज को लेकर कोई हाइप क्रिएट नहीं हो पाती। हाँ, अगर किसी मूवी का अच्छा वर्ड ऑफ माउथ फैल गया तो ऑडियंस मूवी देखने चली जाती है। अजय सर मूवीज तो छोड़ो, अपने फेफड़ों को लेकर भी सीरियस नहीं है। पहले मैं आई यूज़्ड टू स्मोक 100 सिगरेट्स अ डे व्हिच आई डोंट एनीमोर। हमारे देश में ऑडियंस स्टार उसे बनाती है जो कि स्टार बनना चाहता है, ना कि उसे जो एक्टिंग करना चाहता है। अजय सर ने अपनी एक्टिंग स्किल को हर मूवी में प्रूव किया है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अजय देवगन वो एक्टर है जो कि हर टाइप के रोल में कंफर्टेबल हो चुके हैं, जैसे एक्शन, ड्रामा, क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर कॉमेडी, रुको सांस ले लेता हूं, फैमिली, गैंगस्टर, पैट्रियोटिक या फिर विलन। बंदे ने हर जोनरे में एक मूवी कर रखी है और इतने सारे जोनरे में उछल कूद करने की वजह से बंदा किसी एक टाइप की फिल्मों से अटैच नहीं हो पाया, जो कि एक बड़ा रीजन है सुपरस्टारडम ना होने का। एग्जांपल के लिए शाहरुख खान को पकड़ते हैं। शाहरुख खान का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ऑफ कोर्स रोमांस। भाईजान मतलब एक्शन, अक्षय कुमार मतलब कॉमेडी या फिर एक्शन। पर एक सेकंड के लिए अजय देवगन को सोच कर रखो, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ये गुटका कौन बोल रहा है? मेरा मतलब ये किसी एक जोनरे से नहीं जाने जाते, फिल्में इनकी वजह से जानी जाती है। शुरू शुरू में इन्होंने भी बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जी की तरह एक एंग्री यंग मैन की तरह एंट्री ली थी। ये भी अक्के की तरह साल में 6 फिल्में किया करते थे जिसमें से 5 तो एक्शन होती थी। एक्शन पे एक्शन पेलने के बाद इन्होंने अपना रूट चेंज किया और एक्टिंग में काफी वर्सेटिलिटी दिखाई। कोई ये नहीं कह सकता
लगता है कि इस बंदे ने 2002 में कंपनी जैसे गैंगस्टर ड्रामा करने के बाद लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भगत सिंह जी के रोल में फाड़ दिया और फिर उसी साल दिवांगी जैसी मूवी में एक साइको किलर बने। भाई इतनी डाइवर्सिटी तो खुद इंडिया में नहीं है जितनी इनकी मूवीज में है। और ये सिर्फ एक बार नहीं है, बंदे ने उसके अगले साल भूत और गंगा जल जैसी मूवीज को देकर प्रूव कर दिया कि स्क्रिप्ट चूज करनी है तो मुझसे सीखो। और इनका कैमियो भी बाकी एक्टर्स की तरह बस कैमरे में थोपड़ा दिखाकर चले जाना नहीं होता। ट्रिपल आर और गंगूबाई में इनकी काफी इंपॉर्टेंट रोल्स थे जिसने मूवी में एक्स्ट्रा मसाला डालने का काम किया। इसी एक रीजन की वजह से अजय कभी भी ऑडियंस को उतना पुल नहीं कर पाए जितना उनके कॉम्पिटिटर्स ने कर लिया। इनकी मूवीज के फर्स्ट डे कलेक्शन हमेशा ही नॉर्मल रहते हैं और फिर धीरे धीरे करके मूवी अपनी ग्रिप पकड़ती है। सीधी भाषा में बोले तो बंदा बड़ी नहीं, एक लंबी रेस का घोड़ा है। लगभग 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अजय पाजी के पास 3 नेशनल अवार्ड घर पे पड़े हैं, बट स्टिल इनकी किसी भी मूवी ने 300 करोड़ का आंकड़ा भी टच नहीं किया। पर इनकी आने वाली फिल्मों की लाइन सुन के एक पल मेरा भी खड़ा हो गया कान। पहली मूवी है मैदान जो कि अच्छी बनी तो अच्छी चल सकती है। दूसरी मूवी है सिंगम अगेन जिसमें रोहित भाई ने आधा बॉलीवुड भर रखा है। और तीसरी मूवी है औरों में कहां दम था। इस साल भी ये बंदा अलग ही लेवल पे एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है। तुम अजय सर की कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मीडिया में ज्यादा बकवास ना करने की वजह से या फिर हम ये भी कहें कि अपनी काम की ज्यादा प्रमोशन ना करने की वजह से अजय देवगन सर की मूवीज जैसे अर्पण, कंपनी या फिर लेजेंड ऑफ भगत सिंह अंडररेटेड बन के रह गई। सिर्फ मूवीज ही नहीं, इनकी कॉलेज टाइम से चली आ रही सुपर जोड़ी जिनके साथ मिलकर इन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी जैसे विजयपथ, हकीकत, दृश्यम फ्रेंचाइज, गोलमाल, दे दे प्यार दे, ऐसी मूवीज देने के बाद भी कोई भी इनकी बातें नहीं करता। तुम में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि अजय सर का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है और ये खुद एक डायरेक्टर भी है जहां इन्होंने रनवे 34, भोला और शिवाय जैसी मूवी को डायरेक्ट भी किया। 2022 में इन्होंने अपना OTT डेब्यू रुद्रा दी एज ऑफ डार्कनेस से किया था और इस सीरीज को भी इग्नोर मार दिया गया। जैसा कि मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ, इंडियन ऑडियंस उस दिन से उस एक्टर को छोटा समझने लग जाती है जिस दिन वो एक्टर उनके फोन स्क्रीन में डेब्यू कर लेता है। बिना ये पॉइंट ऐड किए मैं इस वीडियो को कैसे खत्म कर सकता हूँ। अभी के टाइम में अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरा फेवरेट एक्टर अजय देवगन है तो लोग उसे ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे कि अभी के अभी गुटखा चबा के आया हो। और ऐसी आइडियोलॉजी लोगों के दिमाग में इनके फेमस विमल के ऐड की वजह से आई है। बोलो जुबा केसरी ने सर के फैंस को बोलने से चुप करा दिया और सिर्फ इसी एक ऐड की वजह से अजय सर मीमर्स के हाथे चढ़ गए और उन लोगों ने अजय सर को जम के ट्रोल किया। वो नॉर्मली मैं दिन में खाते नहीं हूँ, गुटका खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। जो भी हो, अजय देवगन एक ऐसे एक्टर है जिनके पास ग्रीक गॉड जैसे लुक नहीं है, ना ही इनके बॉलीवुड में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ना ही इनके नाम पे कोई ब्लॉकबस्टर मूवी है और ना ही इनकी कोई क्रेजी लेवल की फैन फॉलोइंग है। फिर भी इन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पे बॉलीवुड में काफी कुछ हासिल कर लिया है और पिछले 30 सालों से ये बॉलीवुड में रेलेवेंट है। कोई रेलेवेंट रहे या फिर ना रहे, तुम्हारे भाई को रेलेवेंट रहना पड़ेगा जिसके लिए तुम्हें लाइक करना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल पे तुम्हारे लिए बहुत सारी वीडियोस है तो जाके सारी की सारी वीडियो देख डालो। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है तब जाके सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा अगर तुम्हें तीनों खान्स की 30 इयर्स की कंप्लीट जर्नी को जानना है तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और राइट पे भी एक वीडियो आ रही होगी उसको भी चेक जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।